प्रोड्यूसर आप बन चुकी हैं, फिल्में आप बना रही हैं, आप इंजॉय कर रही हैं और ये आपको काम अच्छा लग रहा है, बट एक्टिंग कहाँ है इस पूरे स्पेस में? मैंने एक ईरानियन फिल्म की ये साल एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि ईरानियन सिनेमा बहुत अरसे से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग लगा है. एंड आई थिंक दैट यू नो व्हेन यू वॉच फिल्म्स डन बाय माजिद मजीदी एंड अदर ग्रेट फिल्म मेकर्स इन ईरान, और आप सोचते हो कि उनकी सेंसरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो इतनी प्यारे अच्छा प्यारी है, फिल्में बनाते हैं, इतने अच्छे मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं. तो जब ये फिल्म की ऑफ़र आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड वो फिल्म रिलीज होगी अभी ईरान में इन अक्टूबर नवंबर, सलाम मुंबई. And it'll be India's first Indo-Iranian film collaboration, and it's with the Iran superstar Reza Gulzar, who's supposed to be like the counterpart of Shah Rukh Khan in Iran. And he's a wonderful human being. I had great fun filming for that. Why haven't I done more Hindi films in the last few years? Simply because I've just got really bad offers. And I think क्योंकि बॉर्न फ्री है, क्योंकि इतना फोकस है अपने खुद के फिल्म्स बनाने में, तो वो एक जो घबराहट होती है, यू नो व्हेन यू आर जस्ट एन एक्टर देयर इज़ दिस फियर साइकोसिस दैट यू आर कॉन्स्टेंटली हैविंग टू डील विद, बिकॉज पीपल कीप टेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, कीप डूइंग वर्क, एंड आई एम लाइक नो, आई हैव डन 15 ईयर्स ऑफ वर्क, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड नाउ आई एम एट अ फेज इन माई लाइफ वेयर इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई ओनली वॉन्ट टू बी for a film that I truly believe in, that I know that I would spend money to go and watch, you know, not because I'm getting paid to be in the film. So 15 साल हो गए थे यार. God, मुझे आज भी याद है रहना है तेरे दिल में आई थी. Yeah, I was 18 years old when I signed that film. Seven times. I know people who watched like over 100 times. Totally. उस टाइम पे उसने इतना अच्छा बिजनेस क्यों नहीं किया? मुझे मालूम है ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, उसकी सीडी अपने घर में जरूर रखते हैं. या आई गेट लॉट्स ऑफ, इवन अभी भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं. अनदर फिल्म दैट हैज रियली कॉट ऑन पोस्ट रिलीज इज लव ब्रेकअप जिंदगी. इट्स वेरी पॉपुलर ऑन टेलीविजन. And youth, you know, I get messages from students and you know the college, it's become, it's one of those college films. And I was watching it the other day and I was like, my God, this film hasn't aged at all. Bilkul. You know, because the aesthetic and the whole look of the film is so contemporary. Rehna hai tere dil mein jab aapko mili thi. Ji. To life kaise badli thi? Main chota baby tha. Aap to thi chota baby, I remember. Bahut chota baby tha. I remember. Aur us film mein aapki wo jo naivety thi na, that innocence in those songs, Zara. I have to tell you the funniest story about Zara, Zara. तो मैं ठहरी हैदराबाद की पली बड़ी लड़की, काफ़ी प्रूड थी, मतलब यू नो कॉय एंड वेरी लाइक, दादी माँ ने बोला था नज़र उठा के मत चलना सड़क पे चलते हो, दैट काइंड ऑफ पर्सन. रियली आपकी ऐसी तबीयत हुई थी? या कि सड़क आंखें नीचे करके, अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आंखें नीचे करके. मेरी माँ थोड़ी अलग थी, लेकिन दादी क्यों आंख नीचे क्यों, सीधा देख के चलो. अच्छा, लोगों से शी वाज ऑलवेज वेरी फियर्स स्पाइसी लेडी. सो आई रिमेम्बर जब मुझे ज़रा ज़रा गाना रिकॉर्ड होके आया था फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, और मुझे सीडी दिया गया, गाड़ी में बैठी थी मैं, मेरे शॉर्ट्स रेडी हो रहे थे, और उन दिनों कपड़े बन जाते थे, आ जाते थे, आपको गाना सेट पे जाने के 2 मिनट पहले मिल जाता था, आप सुनते थे, आप जाके जो भी कहा जाता था आपसे आप करते थे. हमारी अभी तो ऐसे नहीं कि वर्कशॉप्स हो रहे हैं, प्रिपरेशन हो रहा है, आपका कोई पार्टिसिपेशन है इन डिफाइनिंग द लुक फॉर द कैरेक्टर, ऑल ऑफ दैट, नन ऑफ दैट वुड हैपन एट दैट टाइम. आप बस सबके मोहताज होते थे कि डायरेक्टर जो कहेंगे वो होगा, और जो सो जब मैंने लिरिक्स सुने, जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे, बाय दिस पॉइंट आई वाज लाइक छी शोभाताई वाज विद मी, अरे छी शोभाताई ये कैसा गाना है. Yeah, actually सुनने में थोड़ा सा वैसे लगा होगा, right? But now that I look back at that song, I realize that it's possibly India's first most empowering song on female sexuality. I can't, you know, एक होता है ना अभी जा, remember अभी that time, but those songs were never sung by the leading ladies of the film. Yeah.
आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स वेयर एक लड़की अपनी दिल की जो अपने अंदर की सेंसुअलिटी है उसको कह रही है विदाउट बीइंग अशेम्ड एम्बैरस्ड एंड इट वाज डन सो ब्यूटिफुली दैट आई थिंक दैट्स व्हाई इट बिकेम अ रेज बिकॉज चाहे वो मर्द हो या औरत हो जब वो गाना सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरा गाना है ना एक्चुअली और आज भी आई थिंक रेडियो पे इट इज स्टिल अ रेंज या इट इज बहुत प्ले होता है एक बार सुना दीजिएगा के अरे बाप रे आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट यू सिंग वेरी वेल दिया प्लीज योर वॉइस इज वेरी गुड जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा बॉम्बे जयश्री आई एम वेरी सॉरी या बॉम्बे जयश्री गाना और अ ग्रेट वॉइस